समाजवादी के कबीर मौलाना साहब और तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज अरे ये लड़ाक अब शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में होगी और जैसे कि अभी आपने देखा होगा हम खास के ऊपर कि वो कह रहे थे कि जश्न तो इंशाअल्लाह मध्य मतदार सिंह से जश्न कबीर मौलाना होगा ऐसा मैं समझता हूं। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि पिछले 5 साल में जो मध्य से आमदार थे एक भी उन्होंने ऐतिहासिक काम नहीं किया और ललित के अंदर खासदार बन चुके हैं और वो ये सोचते हैं कि तीनों सीट वो जीत कर लाएंगे। तो मेरा चैलेंज है कि तीनों सीट उनकी यहां से ईमान का सफाई होने वाला है और घर टू घर हैदराबाद जाने वाली है। रात अवान अब सेना को तो सेना को हम सेकुलर पार्टी ही मात दे सकती है। हम कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस समाजवादी अनेक पार्टियों का हमारा सेक्युलरिज्म यहां पर जिंदा है और महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा है पिछले 5 साल में सेना बीजेपी की सरकार बीजेपी की हुकूमत ने क्या किया है। महाराष्ट्र के अंदर बेरोजगारी प्रधान बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जीएसटी आ चुके हैं, सभी व्यापारी परेशान है और अब सिर्फ एक एक पार्टी राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी है जो शिवसेना और बीजेपी का झंडा महाराष्ट्र में उखाड़ कर फेंक कर सेकुलर झंडावाद फैलाने का काम करेगी। और पार्टी इस महाराष्ट्र में है नहीं जो सेना और बीजेपी का मुकाबला कर सके और सेना और बीजेपी को उखाड़ने का काम माननीय शरद पवार साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी यही लोग महाराष्ट्र के अंदर कर सकते हैं। और मेरी तमाम नौजवान साथियों से बुजुर्गों और दोस्तों से अनुरोध गुजारिश है कि जातिवादी पार्टी बहकावे में मत आओ, ईमान के बहकावे में मत आओ, ईमान के साथ मत जाओ क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का सवाल है। महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी नीचे जरूरत दे सकती है राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी। और ये सोचना होगा और समझना होगा किसी के बहकावे में मत आओ, एक सीट आने से देश का कोई भला नहीं होता, देश में कोई काम नहीं कर सकता। और ये लोग बोले कि कांग्रेस राष्ट्रवादी का सपा है, अरे इनके पूरे देश में कितने हैं 2 खासदार और 2 अंदर, इंशाअल्लाह सिर्फ खासदार रह जाएंगे और आने वाले खासदार में वो खासदार ही आते हैं और इससे लपेट के हैदराबाद और पूरा चला जाएगा। मैं इसमें खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। आप लोगों की मोहब्बत, खलूस और जो जज्बा मैंने देखा हो, मैं 2009 के इलेक्शन में भी मैंने इलेक्शन लड़ा, इत्तेफाक की बात है कि 13 दिन का ही समय हमको मिला था। ये 13 दिन के समय में कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मेरे लिए नहीं थी, मतदार संघ भी नया था, लेकिन मेरे नौजवान मुसलमान मागासवर्गी भाई, हमारी बहनें, हमारी माएं, इन्होंने दुआ की, मेहनत की, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि थोड़े मतों से हमको हारने की नौबत यहां पर आई। कोई बात नहीं, 14 में यहां पर एक मुस्लिम का ही उम्मीदवार छूट कर आया, हमें खुशी हुई कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, एक हमारा ही भाई चुनकर आया। लेकिन 5 साल बीतने के बाद हमने 15-20 साल जो बीजेपी शिवसेना के वक्त के अंदर में जो वक्त गुजारा, जो हालात को हमने देखा, तो हम उम्मीद करते थे कि 5 साल में ये भाई हमारा शायद कोई बदलाव यहां पे ला सके, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है बदलाव इसने लाया है लेकिन अपने घर में और अपने परिवार में बदलाव लाया है, हमारे साथ बदलाव नहीं लाया है। कुछ बदला है तो इनका अपना घर बदला है, घर के लोग बदले हैं, अपनी आर्थिक परिस्थिति बदली है, हमारे बदलने का उसको कोई पास नहीं। इसलिए मैं बहुत टिका उनके ऊपर नहीं करना चाहूंगा, आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मुझे आप जो मोहब्बत, जो खुलूस आपने दिया है, इसको अगर बना के रखेंगे और ये इलेक्शन में शिवसेना
कि उम्मीदवार को चारों मुंडी चित मारने का काम इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारी लड़ाई एमआईएम के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई एमआईएम के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आप याद रखो शिवसेना के साथ में है। और वो लड़ाई ऐसी होगी कि आपको याद रखना होगा कि सागन का दंगलखोर कौन है, ये दंगल घराने वाला कौन है, वो कोई चेहरा बदल के दूसरा होगा या तीसरा होगा, आपको और मुझे उसको याद रखना होगा। हमारे नौजवान की शहादत वाया नहीं जाने वाली, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा है नाजायज, उनको अंदर डाल दिया गया है, उस पर मल्लम लगा के कोशिश करने वाली जमात के बारे में मैं अब बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये फिरका परस्तों के जो साथी है, ये तरीके से या दूसरे तरीके से उनको मदद करने का काम करते हैं, ये अब छुपा हुआ कोई मसला रहा नहीं। वो अंदर दानवे अम्बादास दानवे के मतदार संघ के चुनाव में एमआईएम ने अपना अधिकार मुसलमानों के वोट लेने का खो दिया कि यहाँ नारायण तकबीर अल्लाह अकबर के नाम पे वोट लिया और फिरका परस्तों के नाम पे वोट दे दिया। आमदार बनते वक्त इसी आमदार ने औरंगाबाद में हमारे जज्बे से चूर कर आए और अपने वोटों को हाउस में जाके वॉकआउट करके हमारे वोटों का सौदा किया। तो कौम के सौदागर, कौम को बेचने वाले हमारा नेता नहीं हो सकता है। इनके लिए एक ही शेर मेरे पास है कि इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे चोरों से गरज नहीं, तेरे रहबरी का सवाल है। तो दूसरा शायर ये कहता, तू न कर इधर उधर की बात, मैं बताऊ काफिला क्यों लूटा, तेरी थी चोरों से दोस्ती, इसका मुझे मलाल है। तो काफिला तो लूटा है, उसका नुकसान तो हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में उनको उनकी जगह और शिवसेना बीजेपी को उनकी जगह बताए हुए नौजवान और हम लोग रहेंगे नहीं, ये वादा मैं आपके सामने करता हूँ। आपकी दुआ, आपका खुलूस जो मुझे मिला है, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है नौजवानों के लिए, इनकी मोहब्बतों के लिए मैं दिल के गहराई से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ, आने वाली कल की लड़ाई के लिए इंशाल्लाह हम तैयार होंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।